नमस्कार दोस्तों, एग्रोफील्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रोज प्लांट पर है। हालांकि रोज प्लांट पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उन सभी वीडियोस को आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी समर सीजन में रोज प्लांट पर जो मुख्य समस्याएँ आती हैं, वही आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, अभी समर सीजन में रोज प्लांट पर डाइबैक, स्पाइडर माइट्स और रेड स्केल नामक इंसेक्ट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इनमें डाइबैक जो होता है वह फंगस की वजह से होता है। डाइबैक की प्रॉब्लम तो पूरे साल भर रोज प्लांट में देखने को हमें मिल जाती है। बाकी हमारा स्पाइडर माइट्स और रेड स्केल, ये दोनों इंसेक्ट्स का अटैक मुख्य रूप से समर सीजन में देखने को ज़्यादा मिलता है। डाइबैक, स्पाइडर माइट्स और रेड स्केल, जो कि तीनों ही रोज प्लांट की मुख्य समस्या है। तो आज की वीडियो में तीनों समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइबैक के बारे में। तो डाइबैक में हमारे प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, सबसे टॉप वाला पार्ट सूखकर डाई होने लगता है, और ये डाइबैक का प्रॉब्लम ऊपर से नीचे की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है। समय रहते अगर इन्फेक्टेड ब्रांच को रिमूव ना किया जाए तो पूरा का पूरा प्लांट ही डाइबैक की चपेट में आ जाता है। रोज प्लांट में डाइबैक का जो अटैक होता है वह फंगस की वजह से होता है, और इस फंगस के अटैक होने पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में यह पूरे प्लांट में फैल जाता है। हालांकि मेरे रोज प्लांट में अभी किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं है, और ना ही किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि वीडियो को मैं बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूं, आपको बता सकूं। अगर आपने रोज प्लांट लगाए हुआ है और आपके रोज प्लांट में किसी तरह का भी डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो फिर आप आसानी से इस वीडियो को समझ पाएंगे। आपको अगर रोज प्लांट में डाइबैक की समस्या दिखे तो इन्फेक्टेड वाली जगह से 2 से 3 इंचेस नीचे से आपको उसे कट करके हटा देना है। कट करने से पहले आप अपने सेकेटेरिया से जो भी आप यूज करते हैं उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या डिटोल वगैरह से अच्छी तरह से रेक्टिफाइड करके ही यूज करें, ताकि फंगस का अटैक दोबारा ना हो। और ब्रांच को कट करते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप हमेशा ब्रांच को थोड़ा तिरछा ही कट करें, लगभग 45 डिग्री के एंगल में। फिर आपको कटिंग वाले पार्ट में फंगिसाइड को लगा देना है। तिरछा कट करने पर हमें मुख्य फ़ायदा यह होता है कि वाटरिंग करने पर वाटर कट वाले पार्ट में रुकते नहीं हैं, वाटरिंग करते ही तेज़ी से नीचे की ओर ड्रेन हो जाते हैं। इसी वजह से फंगस के लगने का डर नहीं रहता है। दोस्तों, अगर आपके रोज प्लांट में डाइबैक की समस्या नहीं है तो आप प्रूनिंग करने के बाद कट वाले पार्ट में चारकोल को रगड़ सकते हैं। अधिकतर प्रूनिंग करने पर ही रोज प्लांट में डाइबैक की समस्या होती है, और अधिक मात्रा में फ्लावरिंग के लिए समय समय पर पुराने ब्रांच की प्रूनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग तो नए ब्रांच पर ही होती है। प्रून करने पर नए नए शूट्स निकलते हैं और बाद में उन्हीं ब्रांच में फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन अभी गर्मी के सीजन में आपको अपने अंग्रेजी गुलाब हो या फिर आपका हाइब्रिड गुलाब हो, आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी गर्मियों में आपको देसी रोज प्लांट में भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, आप हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आप प्रूनिंग के बाद कोयले या राग को कट वाले पार्ट में लगा सकते हैं। कोयला और राग दोनों ही एक अच्छा फंगिसाइड का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, हमारा रोज प्लांट डाइबैक की चपेट में अगर आ जाए तब केमिकल वाली फंगिसाइड का सहारा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में होममेड फंगिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी आप यूज कर लें, उतना फास्ट असर आपको देखने को नहीं मिलेगा उनसे, जितना कि हमें मार्केट वाले फंगिसाइड के उपयोग में देखने को मिलता है। हालाँकि रोज प्लांट के हेल्दी रहने पर हमें प्रिकॉशन के तौर पर होममेड फंगिसाइड को यूज करते रहना है। इसके रेगुलर यूज करने पर डाइबैक की समस्या नहीं होगी। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो कि रोज प्लांट पर समर सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, वह है स्पाइडर माइट्स का अटैक। इससे हमारे रोज प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्पाइडर माइट्स रोज प्लांट की पत्तियों के नीचे जाला बनाकर रहते हैं, और नीचे की तरफ से ही पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियाँ पीली पड़कर गिरने लग जाती हैं और हमारे प्लांट में एक भी पत्तियां नहीं बचती। स्पाइडर माइट्स के अटैक होने पर भी रोज प्लांट धीरे धीरे डाई हो जाते हैं। वैसे स्पाइडर माइट्स को होममेड पेस्टिसाइड से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आप दालचीनी, लहसुन, अदरक वगैरह कोई भी एक को लेकर किसी भी शैम्पू के साथ 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपके प्लांट में स्पाइडर माइट्स का अटैक
नहीं है तो भी आप रेगुलर शाम के वक्त पत्तियों में सादे वाटर का स्प्रे करते रहें। वाटर के स्प्रे करने पर स्पाइडर माइट्स का अटैक नहीं होता है। इससे हमें एक और लाभ मिलेगा कि हमारे रोज़ प्लांट को अभी समर सीजन में पत्तियों में काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है, जिससे पत्तियों को फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया थोड़ी बाधित हो जाती है। तो हमारे स्प्रे करने पर डस्ट भी धुलकर साफ़ हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से होता है और हमारा प्लांट भी बिल्कुल हरा भरा सा रहता है। ये कार्य यानी वाटर की स्प्रे आप समर सीजन में अपने सभी प्लांट पर करते रहें ताकि सभी प्लांट डस्ट फ्री रह सकें और देखने पर काफ़ी हेल्दी और हरे भरे लगेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं रेड स्केल नामक इंसेक्ट के बारे में। तो इस इंसेक्ट से रोज़ प्लांट को सर्वाधिक हानि होती है। रेड स्केल इंसेक्ट प्लांट के किसी भी भाग में आपको मिली बग के जैसे चिपके हुए आसानी से दिख जाएंगे, जो देखने पर लाल रंग के बिल्कुल चपटे से होते हैं। रेड स्केल इंसेक्ट जो होते हैं वो आपको हार्ड वाले स्टेम में भी चिपके हुए दिख जाएंगे। ये कीट रोज़ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। पौधों का रस बहुत तेज़ी से चूसकर पौधों को सूखा कर देते हैं, पौधों का रस बिल्कुल ही निकाल देते हैं। यही वजह है कि रोज़ प्लांट में जितने भी तरह के पेस्ट अटैक होते हैं उन सभी में रेड स्केल नामक इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसे भी आपको स्पाइडर माइट्स की तरह ही ट्रीट करना है। प्लांट के हेल्दी रहने पर भी आप डेली वाटर का स्प्रे करते रहें, इससे स्पाइडर माइट्स और रेड स्केल दोनों का अटैक नहीं होगा। दोस्तों इन दोनों कीट के अटैक से रोज़ प्लांट को बचाने के लिए आप इन सिंपल मेथड को अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।